हम लोग काम इस तरह कर रहे हैं कि हम लोग को विभाग से जो भी कार्य दिया जाता है उसमें खर्च आता है, पर हम अपना पकड़ से लगा के अपना काम कर रहे हैं, इसलिए कि हमारा जिम्मेदारी है, हमारे गांव वाले हमारा सरकार द्वारा चयन किया गया है तो हमारा जिम्मेदारी हमें निभाना चाहिए। इस द्वारा हम लोग अपना खर्चा करके काम करते हैं, इसीलिए कि सरकार हमें या विभाग हमें भुगतान दे देंगे। पर क्या है कि हम लोग 2011 से काम करते आ रहे हैं, जबकि मानदेय शुरू हुआ मार्च 2019 से, तभी से लेकर आज तक सिर्फ 3,000 या 6,000 किसको मिला है, बाकी किसी को कुछ नहीं मिलता है। ना ही ड्रेस मिलता है, जबकि 6,000 में एक ड्रेस देना है, ना ही ड्रेस मिलता है हम लोग को, ना ही हम लोग को मानदेय मिलता है, ना ही हम लोग को प्रोत्साहन राशि मिलता है। हमारे सरकार से और विभाग से हमारा यही अनुरोध है कि हमारा काम के बदले हमें दाम दे, हमें प्रोत्साहन राशि दे, हमें 6 महीना में जो ड्रेस लगता है वो ड्रेस दे, और हमारा जो बकाया मानदेय है अभी 2019 से अभी 21 जाने वाला है, इसका बकाया मानदेय भुगतान करे। और जो हमारा मुख्यमंत्री अपने मुँह से हम लोग के साथ वादा किए हैं कि आप लोग को सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा, बस हमारा अनुरोध है बकाया मानदेय भुगतान करे एवं हमारा सम्मानजनक मानदेय शुरू किया जाए, बाकी हम अपने काम से कभी पीछे नहीं हटेंगे, हमारा काम हम करते रहे। ABP News, आपको रखे आगे।